जहां एक तरफ सारी दुनिया कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर वन विभाग रामपुर तहसील स्वार क्षेत्र में ग्राम सलारपुर की पीपली वन के निकट कृषि भूमि पर बिना किसी शासन अथवा प्रशासन के आदेश के कब्जा करने के लिए दो जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गया। किसानों ने बताया कि दिनांक 15 मई 2020 को लगभग शाम 4 बजे वन विभाग के कुछ अधिकारी अपनी फोर्स के साथ दो जेसीबी मशीन लेकर जंगल की सीमा उनके खेतों में बताकर खुदाई करने लगे। इसका विरोध करने पर वन अधिकारियों ने भू स्वामियों की कोई बात नहीं सुनी अथवा विरोध करने पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। जबकि किसानों का कहना है कि हम लोग यहां 1947 में देश के बंटवारे के फलस्वरूप पाकिस्तान से विस्थापित होकर यहां सरकार द्वारा बसाए गए थे। आज सुबह से ही यहाँ लगभग 300 किसान एकत्र होकर लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए विरोध किया। विरोध को देखते हुए आज मौके पर कोई वन अधिकारी अथवा जेसीबी मशीन नहीं पहुंची। मामले से अवगत कराते हुए पुन्नू राम काम्बोज ने बताया कि वन विभाग के पास देश की आज़ादी के समय के शासनादेश के अनुसार दी गई भूमि से अधिक भूमि है। यह वन भूमि भी किसानों को दी गई भूमि थी जिस पर वन विभाग ने अवैध कब्जा कर लिया था। पुन्नू राम ने बताया कि जन सूचना अधिकार द्वारा मांगी गई सूचना में विभाग भूमि का पूर्ण विवरण देने में भी हमेशा असमर्थ रहा। कोरोना व लॉकडाउन को देखते हुए क्षेत्रीय पुलिस थाना मिलकखाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु आदेश दिया। संवाददाता के अनुसार मौके पर वन विभाग ने जेसीबी मशीन से खेतों में लगभग 300 से 400 मीटर अवैध खुदाई कर देने के बाद भी संबंधित वन अधिकारी विनोद पांडे ने फोन पर बताया कि अभी तो वन व खेतों की नपाई चल रही है। वन अधिकारी विनोद पांडे के इस झूठ से अनुमान यह लगाया जा सकता है कि वन विभाग द्वारा किसानों की भूमि पर किया जाने वाला कब्जा अवैध कब्जे का रूप है। किसानों के अनुसार इस संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना अथवा नोटिस दिए बिना ही वन विभाग का उनकी भूमि पर इस तरह अवैध कब्जा करना एक प्रकार की गुंडागर्दी से कम नहीं है। 1947 में देश के बंटवारे के समय के संबंध में किसानों का कहना है कि उस वक्त तो भारत सरकार ने अपनी नीतियों द्वारा हमारे परिवारजनों के जीवन यापन हेतु कृषि योग्य भूमि में बसा दिया गया और भूमि की कृषि सिंचाई हेतु विद्युत ट्यूबवेल कनेक्शन भी दे दिए गए जिससे किसान अपने खेतों में सिंचाई करने हेतु सक्षम हो गए। यहाँ सभी प्रकार की सरकारी सुविधाएं जैसे प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल, पक्की सड़कें, सिंचाई हेतु नहर, राशन हेतु राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, पासपोर्ट व इन ग्रामों को ग्राम पंचायत भी घोषित किया जाना आदि जैसी संपूर्ण सरकारी सुविधाएं दी जाती हैं, परंतु यह भूमि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गलती से बिना किसी शासनिक व प्रशासनिक आदेश के वन विभाग रामपुर में दर्ज हो गई थी। इस वजह से इस क्षेत्र के निवासियों को इस भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल सका और अब वन विभाग जमीनों पर जबरदस्ती अवैध कब्जा करना चाहता है। ये मामला ये है जी, कुल मिलाकर डीओ फोर जो साहब जी है यहाँ वन विभाग के, ये कल अपनी जेसीबी लेके और अपना पूरा स्टाफ लेके और ये इन्होंने यहाँ से बीचों बीच खेत के खाई खुदवा ली और यहाँ से जो सीमा है इस खाई से कम से कम 100-150 मीटर दूर है। किसकी? जो कि वन विभाग की जमीन है वो 100-150 मीटर अंदर है और ये जो कि खेतों के बीचों बीच इन्होंने खोदी गई है, लेकिन जबरदस्ती और उसके बावजूद भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। क्योंकि एक तो आजकल महामारी चल रही है इतनी कि जो कि गवर्नमेंट का कि हाँ डिस्टेंस की दूरी बना के रखो, हर लोग हमारे गांव के इतने सीधे लोग हैं जो कि अपने अपने घरों से बाहर ही निकले आज तक, ठीक है, उसके बावजूद भी डीओ फो साहब ने कल ये खाई खुदवा के और इतने लोग को परेशान किया है और आज एक भी आदमी को किसी को भी ये दुर्घटना हो जाए तो सीधा डीओ फो जी साहब के ऊपर, क्योंकि ये सारा प्रोसेस उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि बेमतलब की ही वे खाई खोदी गई है। लॉकडाउन लगा हुआ है जी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर जी सारे लोग पालन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं यहाँ पे, क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो खाई खोदी गई बहुत नजायज खोदी गई है
और इस खाई को बिल्कुल जंगल के अपने निगम के किनारे किनारे खोदी जाए। इस साइड में कोई उनका तालुकात नहीं है। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पे? हम लोग यहाँ से 1947 से हमारे बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं। आज तक भी सड़क इनकी बनी हुई है, सड़क मौजूदे खड़ी है और वो अपनी सड़क और एक डीओफ ये वाला नहीं, पर कम से कम 70 साल में सैकड़ों डीओफो लोग आए हैं और हर डीओफो इसी रास्ते से निकलते हैं, इस जंगल से, और पूरा स्टाफ रहता है 24 घंटे, हर एक घंटे में निकलते हैं। और आज तक उनको क्या बात दिखाई नहीं किसी डीओफो को, सिर्फ इसी डीओफो को दिखाया क्या वो? तो ये बेवजह परेशान, बेवजह लोगों को परेशान किया गया, जो कि इसकी सजा जो है डीओफो को मिलनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं सब लोग। तो ये गड्ढे किसने करे फिर? ये गड्ढे वन विभाग के लोगों ने किए हैं, खेतों के बीच में गड्ढे खोद रहे हैं। आखिर इनका रीजन क्या है? इनको अपना हम रीजन पूछना चाह रहे हैं तो ये अपना रीजन भी नहीं बता रहे हैं कि किस कारण से इन गड्ढों को खोदा जा रहा है। तो कितने लोगों की जमीन है, लगभग कितने किसानों की? यहाँ तो हजारों लोग हैं, मतलब जिन लोगों की जमीन है, तो इसलिए मतलब ये बहुत ही गलत और गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से मतलब वो अपनी जहाँ उनकी सीमा है अपनी सीमा से रिलेटेड ही वो गड्ढे खोदें, यहाँ उनका कोई भी दायित्व नहीं है, वो अपनी सीमा पर ही जाकर के गड्ढे खोदें। क्षेत्रीय नेताओं व जिलाधिकारी रामपुर से मिलने के बाद ग्रामीण किसान दर्शन लाल ने बताया कि रामपुर प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस विवाद पर लॉकडाउन के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। विचार करने योग्य है कि उत्तर प्रदेश के योगी राज में 1947 में पाकिस्तान में मारे और लूट लिए गए किसानों पर कुछ अधिकारी अपनी अफसरशाही क्यों चलाना चाहते हैं? प्रतिपक्ष संवाद के लिए जगदीश तिवारी की रिपोर्ट।